पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उनकी उन्होंने कुछ ना कुछ बोलेबाजी की। संकट की घड़ी जरूर खड़ी हो गई है क्योंकि हमें आशा नहीं थी कि भाजपा कोई कैंडिडेट फील्ड करेगा। राणा जी की बात वो कहते थे कि मैंने धूमल जी को हराया। क्या राज्यसभा चुनाव में खेला हो गया है? क्या विधायकों ने बाजी पलट कर रख दी है? क्यों मिल रहे हैं क्रॉस वोटिंग के संकेत? कांग्रेस के दिग्गज भी अपनी जीत को लेकर क्यों असमंजस की स्थिति में है? ये तमाम सवाल राज्यसभा में वोटिंग के बाद से उठने लगे हैं। इसके अलावा 7 विधायक कांग्रेस के संपर्क से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये नाराज विधायक क्रॉस वोटिंग कर हाईकमान को सुक्खू के खिलाफ संदेश देना चाहेंगे। अगर किसी ने भी क्रॉस वोटिंग की होगी तो ये शंखनाद राज्यसभा चुनाव का नहीं होगा बल्कि ये शंखनाद लोकसभा चुनाव के लिए होगा, वो भी अपनी ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ। लेकिन खुद मुख्यमंत्री सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किसी अंदेशे की संभावना क्यों जता रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आप खुद सुनिए। पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उनकी उन्होंने कुछ ना कुछ बोलेबाजी की। संकट की घड़ी जरूर खड़ी हो गई है क्योंकि हमें आशा नहीं थी कि भाजपा कोई कैंडिडेट फील्ड करेगा। राणा जी की बात वो कहते थे कि मैंने धूमल जी को हराया।